यक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। प्रत्येक टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बींग का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर के साथ बींग का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स ए लेटर। सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ए लेटर को हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट्स का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे और सी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हर होगा। ए लेटर इज रिटन बाई हर। सी राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाई हर। अगला एग्जाम्पल, ही विल हैव कुक द फूड। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, कुक्ड मेन वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है। इसको हम पहले लिखेंगे द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हिम। इसी तरीके से हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में हम इज एम आर अथवा वाज वर्ब के साथ बींग का प्रयोग करते हैं। जो अस्पष्ट सब्जेक्ट होते हैं, समबडी, समवन, ऑल, पीपल इत्यादि, ऐसे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि पैसिव बनाते समय इन्हें हम हटा देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को जब हम पैसिव बनाते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव प्रश्नवाचक में ही बनाते हैं। जैसे हु हैज ब्रोकन द चेयर। हु वाले वाक्य में हु स्वयं सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट होम होता है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए इसको पहले ही लिखेंगे हु का बाई होम। बाई होम हैज द चेयर बीन को बाद में लिखेंगे ब्रोकन। बाई होम हैज द चेयर बीन ब्रोकन। जिस वाक्य में सब्जेक्ट अस्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट सब्जेक्ट होता है, पीपल, क्राउड, दे, आल, समवन, नोवन, समबडी, नोबडी, ऐसे अस्पष्ट सब्जेक्ट को हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हटा देते हैं, बाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर नोबडी है, नोवन है, नन है, तो वाक्य को हम नकारात्मक बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं। जैसे नोबडी पनिश्ड हिम, तो इसका होगा ये निगेटिव सब्जेक्ट है, ही को लाएंगे नया सब्जेक्ट हिम, तो हिम का सब्जेक्ट होगा ही, वाज, नॉट, नॉट लगा दिए इसलिए क्योंकि ये नोबडी जो है ये निगेटिव सब्जेक्ट है, ही वाज नॉट पनिश्ड, नोबडी को हम हटा देंगे। अगला वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। प्ले द फुटबॉल, लेट द फुटबॉल बी प्लेड बाई यू। या इसको दूसरे तरीके से हम बनाते हैं अथवा करके, तो हम शुड बी का प्रयोग करते हैं, और शुड बी का जब प्रयोग करेंगे तो हम बाई यू नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, तो द फुटबॉल शुड बी प्लेड। तीसरे तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं, इसमें हम भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में हम अगर प्लीज लगा होता
तो हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज नहीं है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले द फुटबॉल। इसी तरीके से हम यक्तिव से पैसिव बनाते हैं।